जब भारत किसी को अपना दोस्त मान लेता है तो वो उस दोस्त पर कोई आंच नहीं आने देता। यही नहीं, भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमेशा अडिग रहता है। जो लोग भारत में रहकर उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि भारत ने फिलिस्तीन की हमेशा मदद की है, लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत का रुख हमेशा से सख्त रहा है। अब जबकि इसराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला किया, भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा कर ये स्पष्ट संदेश दिया कि वो अपने दोस्त इसराइल के साथ खड़ा है। भारत ने हमेशा वैश्विक राजनीति में अपने स्वतंत्र रुख को बनाए रखा है, चाहे वो अमेरिका के दबाव में रूस की निंदा न करना हो या फिर अरब देशों को न समझी के बावजूद इसराइल का समर्थन करना। हाल ही में भारत ने इसराइल पर हमास के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जबकि कुछ अरब देशों ने इसराइल की आलोचना की। इस कदम से भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि उसकी विदेश नीति वोट बैंक की राजनीति के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसी बात को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जुलाई महीने में प्रियंका गांधी ने इसराइल के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए थे और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी आलोचना की थी। अब प्रियंका गांधी के इस बयान के पीछे क्या उद्देश्य था ये तो नहीं पता, लेकिन ये समझा जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार गुस्से कर रही। लेकिन सरकार ने इस राजनीति से ऊपर उठकर स्पष्ट किया कि भारत इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत का इसराइल के प्रति समर्थन इस बात का प्रमाण है कि आतंकवाद चाहे दुनिया में किसी भी कोने में हो, भारत उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों की जमकर मदद की है, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो भारत किसी भी हालत में समझौता नहीं करता। भारत का इसराइल के प्रति समर्थन जहां एक ओर उसकी मजबूत विदेश नीति को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा। विपक्ष के कुछ नेता इसराइल को अत्याचारी और क्रूर बता रहे हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो क्या वो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत और इसराइल के बीच के मजबूत रिश्ते को कमजोर करेगा? खैर, विपक्ष की ये राजनीति केवल भारत के विदेश संबंधों को कमजोर करने का प्रयास माना जा रहा, लेकिन एक बार विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए कि हमास एक आतंकी संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया गया है। लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि भारत की विदेश नीति किसी भी आतंकवादी संगठन के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाती। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और सख्त है, चाहे रूस का मामला हो, इसराइल का मामला हो। भारत ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। इसराइल पर हुए हमास के हमले की निंदा कर भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति स्पष्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।